आमिर खान की फिल्म दंगल आए दिन नए नए इतिहास रच रही है। पहले सबसे पहले एडवांस बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़े फिल्म ने, उसके बाद उत्तर प्रदेश ने उसे टैक्स फ्री किया, अब हाल ही में नए स्टेट हरियाणा ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में फिल्म का कलेक्शन, फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ेगी, और जितनी फिल्म की लोकप्रियता बढ़ेगी उतना फिल्म का कलेक्शन भी बढ़ेगा। फिल्म ने पहले दिन 29.75 करोड़ का बिजनेस किया, सेकेंड डे 34.25 का बिजनेस किया, और थर्ड डे यानी संडे को 35.40 करोड़ का बिजनेस किया। और इसके अलावा फिल्म की रोज़ कलेक्शन अगर आप देखेंगे दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इट मीन्स फिल्म आने वाले वक्त में और ज़्यादा कलेक्शन करेगी। क्रिसमस की छुट्टियां हैं, बच्चे घर पे हैं, यकीनन फिल्म देखने के लिए आएंगे, और जिस तरह से फिल्म को कामयाबी मिल रही है, फिल्म को सराहा जा रहा है, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ बात है। दंगल की कामयाबी की एक सबसे बड़ी वजह है आमिर खान की सूझबूझ। अगर आपने फिल्म देखी है या जो लोग फिल्म देख चुके हैं उन्हें क्लाइमेक्स में इस बात का एहसास होता है कि आमिर कहीं पर भी नहीं है, यानी कि एक स्टार, इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद उन्होंने न्यू कमर्स उन लड़कियों को मौका दिया और उन्हें इस बात को समझा कि फिल्म की कहानी की डिमांड क्या है। मेरा रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहानी उस तरह से चलती है जहां लड़कियों की ज़रूरत ज़्यादा है, जहां वो रेसलिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को, दर्शकों को, यहां तक कि फिल्म क्रिटिक को बात खींचती है, रिझाती है अपनी तरफ कि आमिर ने कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया, कहानी पर ज़्यादा ध्यान दिया, और उसका नतीजा ये है कि फिल्म की लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दंगल ना केवल सिर्फ रेसलिंग के बारे में बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी कहीं जोर देती है, और इस बात का जो पैगाम है, जो मैसेज है, बहुत लोगों तक पहुंचता भी है। फिल्म के अंदर एक साइलेंट मैसेज है कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को सिखाओ, वो कहीं ना कहीं मैसेज चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, उन्होंने बहुत सीरियसली लिया है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में फिल्म दंगल टैक्स फ्री हो चुकी है। फिल्म का टैक्स फ्री होना अपने आप एक संकेत है कि फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ेगी, लोग सराहेंगे, लोग और देखेंगे। दंगल ने पहले दिन कमाए 29.75 करोड़, सेकेंड डे यानी सैटरडे को कमाए 34.25 करोड़, संडे को यानी जिस दिन क्रिसमस था उस दिन फिल्म ने कमाए 35.40 करोड़, यानी कि डोमेस्टिक अगर बिजनेस की बात करी जाए, सिर्फ इंडिया के बिजनेस की बात करी जाए, तो सबसे फास्ट 100 करोड़ रुपये का बिजनेस फिल्म दंगल ने किया। अगर हम ओवरसीज़ की बात करें, ओवरसीज़ में तीन दिनों में फिल्म ने कमाए 18 करोड़, इट मींस फिल्म आने वाले वक्त में 120-130 का आंकड़ा पार कर जाएगी। तीन दिनों में फिल्म ने 118 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। अब देखने वाली बात यह दिलचस्प होगी कि मंडे यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक फिल्म का बिजनेस क्या होता है। जिस तरह से अगर आंकड़ों की बात करी जाए या लोकप्रियता की बात करी जाए, तो यकीनन क्योंकि आमिर खान की फिल्म है, क्योंकि एक बेहतरीन फिल्म है, कंटेंट के साथ है, यकीनन मंडे से लेकर फ्राइडे तक फिल्म बिजनेस अच्छा करेगी।